हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसम एंड वेलकम टू आशुकारी डिजिटल एजुकेशन। तो दोस्तों, हम कर रहे थे आपका जो सीटेट पेपर वन का ईवीएस का पार्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो चीजें हम बनाते हैं, हम करते हैं, और कुछ चीजें जो हम जानते हैं। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी थीम्स में आता है। ईवीएस की जो थीम्स हैं, जब पैडागोजी में करेंगे तो बताएंगे आपको कि आपकी एक प्रॉपर थीम है कि हम क्या करते हैं, क्या जानते हैं, और बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, इससे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इस वाले टॉपिक से मिलेंगे, एटलीस्ट 3 to मैक्सिमम 5 to 6 भी यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिन चीजों को हम जानते हैं उनके बारे में, जो हमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें आपकी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका थिंग्स वी नो, यानी कि वो चीजें जो हम जानते हैं। सबसे पहले आपका मैटर। देखो, इसके बारे में यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि साइंस, जैसे हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, आपकी जो भी दुनिया है उसमें साइंस जो विज्ञान है, वो कैसे कैसे चीजें चलती हैं, कैसे कैसे हमारी उत्पत्ति हुई थी, कैसे कैसे मैटर्स होते हैं आपके, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर, यानी कि द्रव्य, वो क्या होता है। देखो, मैटर आपका कुछ भी नहीं है। मैटर का मतलब है कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जिसने कोई भी जगह घेर रखी हो आपकी। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैटर का एक पिक है, यानी कि द्रव्य। इसमें आपकी कोई भी चीज आ सकती है, जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक मैटर है। ये वाला जो पेन है आपका, ये ऑब्वियसली एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो वेट है इसमें, और इसने कुछ ना कुछ, देखो ये वाली जगह इसने घेरी हुई है, तो थोड़ी बहुत जगह इसने घेरी भी हुई है, और इसका एक वेट भी है। तो हर वो चीज जिसमें वेट हो और कोई ना कोई स्पेस वो घेर रखा हो उसने, उसको बोलेंगे आपका मैटर। तो ध्यान रखना है, डेफिनेशन बिल्कुल पूछी जा सकती है आपकी, मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड आपका मैटर। चलिए आगे देखते हैं मैटर की। अब देखते हैं, तीन स्टेट्स होती हैं। कौन कौन से आपकी होती है? एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है आपकी गैस। सबसे पहले सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड क्या होता है आपका? जिसकी आपकी एक फिक्स्ड शेप होगी और फिक्स्ड ही उसकी वॉल्यूम होगी। अब फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है? जैसे कि आपका पेन है, ठीक है, पेन क्या होता है? इसकी एक फिक्स्ड शेप है, और वॉल्यूम का मतलब उसमें कितनी जगह एक तरीके से घेरी हुई है, यानी किसमें ये रखा हुआ है, पेन को रखने के जो आपके बॉक्सेस वगैरह आते हैं, यानी वो इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु, जैसे कि आपकी ब्रिक्स हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, बुक हो गई, ये पेन हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गई, ये सारी चीजें क्या है आपकी? सॉलिड में आएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी फिक्स्ड तो शेप है, शेप इनकी ऐसे नहीं है कि कहीं इधर उधर घूम रही है, ये एक फिक्स्ड शेप आपकी स्क्रीन की बनी हुई है, इस पेन की एक फिक्स्ड शेप बनी हुई है, और इसकी फिक्स्ड ही एक वॉल्यूम है कि कितनी जगह में ये आया हुआ है। तो ऐसे जैसे आपकी ब्रिक्स होती है, यानी ईंटें होती हैं, आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारी क्या है आपकी? सॉलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लिक्विड का। लिक्विड क्या होती है? जिसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लेकिन उसकी फिक्स्ड शेप नहीं हो सकती। कैसे? लिक्विड में आपने देखा होगा आपका मिल्क होता है, ठीक है, दूध होता है आपका, वाटर होता है। अब मिल्क को आपका मन कर रहा है कि नहीं, आज तो मुझे दूध ग्लास में पीना है, तो वो किसकी शेप ले ली उसने? कंटेनर की, ग्लास की शेप में पूरा मिल्क भरा हुआ है। आपका मन कर रहा है नहीं, आज तो मुझे दूध मग में पीना है, तो उसने किसकी शेप ले ली? एक मग की शेप ले ली। तो यही है आपका लिक्विड, जिसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, यानी कि वो कितना स्पेस घेरेगा। आप 1 लीटर दूध पियोगे, 1 लीटर तो ज्यादा हो जाएगा, आधा लीटर या फिर 1 पाव लगा लीजिए, उतना पियोगे तो उसको किसी भी बर्तन में डालोगे, वॉल्यूम तो वो आधा लीटर ही रहेगा दूध, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी, लेकिन शेप वो बर्तन की ले लेगा। आप उसको ग्लास में पियोगे, आधे लीटर के ग्लास में, तो ग्लास में आ जाएगा वो। आप उसको मग में पियोगे, तो वो मग की शेप ले लेगा। तो ये होती है आपकी जो आपके लिक्विड होते हैं, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया,
फ्यूल हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, कंटेनर का शेप ले लेती है। तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। और लिक्विड आपको पता भी है, वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लिक्विड का। अब बात करते हैं आपकी कि गैस क्या होते हैं आपके। गैस, गैस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना ही उसकी कोई वॉल्यूम होती है। ये प्रेशर से इफेक्ट होते हैं मेनली, जैसे कि आपका एयर हो गया, आपकी जो वायु है, हवा है चल रही है, वो क्या है आपकी मेनली किसमें आ जाएगी, गैस है, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन गैस हो गई, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी वो है जो आपके घरों में यूज होती है। तो देखो, आप जैसे घरों में खाना बनाते हो, गैस होती है आपकी, गैस में लाइटर से आप जलाते हो गैस को, तो वो क्या, जिस टाइप का बर्तन रखते हो, ठीक है, ऐसे ही वो नीचे से एक तरीके से उसकी कोई ना तो कोई शेप बन पाती है ना ही उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तो वो क्या, प्रेशर उस पर जिस हिसाब का पड़ता है उसी हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। तो ये थी आपकी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इनको और थोड़ी सी फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या क्या होती है आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले है आपका ये है सॉलिड। अच्छा देखो, सॉलिड में क्या होता है कि आपका जो सॉलिड होगा इसमें विजिबल है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं पार्टिकल्स आपके, टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइट पैक्ड होते हैं वो, तो टाइटली पैक्ड होते हैं और रेगुलर पैटर्न में होते हैं मोस्टली। जैसे कोई आपका रेगुलर पैटर्न हो गया, ये वाला रेगुलर हो गया, ये वाला रेगुलर, मतलब ऐसे नहीं कि इरेगुलर कुछ भी हो, एक रेगुलर पैटर्न में आपके पार्टिकल्स बंधे हुए होते हैं एक साथ। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे को वाइब्रेट तो करते हैं, यानी इधर उधर एक दूसरे को करते तो हैं लेकिन ये इधर उधर जा नहीं पाते। जैसे आपके मान लो आप 5-6 फ्रेंड्स हो अपने क्लास में, क्लासमेट्स हो, वो बैठे हुए सारे, कोई इसको इधर कर रहा है, कोई इसको इधर कर रहा है, लेकिन आपको इतने ही शेप में रहना है, तो ना तो कोई इधर जा सकता है ना ही कोई उधर जा सकता है। तो नेक्स्ट है इसकी, सॉलिड्स रिटेन देयर शेप, वो अपनी शेप को फिर से वही, उनकी शेप बदल के वही आ जाती है। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो उनकी शेप वही आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो, ये चेयर है आपका, ये कोई भी एक ब्रिक हो गई, बड़ा सा पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, बुक हो गई आपकी, मैग्नेट हो गई आपकी, एक्स हो गई यानी कुल्हाड़ी। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी, सॉलिड में, जिनकी एक डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लिक्विड की। लिक्विड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से लूज हैं। क्या है, लूज हैं, एक दूसरे के साथ तो होते हैं लेकिन हल्के से लूज होते हैं और वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होते। कोई इधर भाग रहा है, 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 ऐसे होते हैं। मतलब एक सॉलिड की तरह एक ऐसे पैटर्न नहीं होता। सॉलिड के तो ऐसे पैटर्न में होंगे आपको कि बिल्कुल ऐसे में, लेकिन लिक्विड के कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। तो लिक्विड का आपको पता है फ्लो करते रहते हैं एक दूसरे के साथ और ऐसे एक दूसरे को थोड़ा बहुत हिला डुला सकते हैं, लेकिन जो कंटेनर होता है उसी के अंदर इनकी जो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, कंटेनर की शेप ले लेते हैं, उसी के अंदर ये एक दूसरे को ऐसे हिलाते डुलाते रहेंगे। आप देखना, आप बड़ा सा बर्तन लेना, जैसे कोई बड़ा सा डिब्बा होता है आपका, उसमें आप ऑयल डालोगे तो ऑयल को इधर उधर तो करते रहोगे लेकिन वो उससे बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो पार्टिकल्स होते हैं हल्के से लूज होते हैं, वो इधर उधर तो चला जाएगा लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाएगा डिब्बे की जो शेप होती है उससे। तो यही आपका, ये आपकी इंक हो गई, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं, लिक्विड के। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी गैस की। गैस के बारे में हमने पढ़ा, एलपीजी होती है, सीएनजी होती है। अब देखो, पार्टिकल्स इन गैस वेल सेपरेटेड विद नो रेगुलर पैटर्न, ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर घूमते रहते हैं और इनका कोई भी पैटर्न नहीं होता है। मतलब ये बहुत दूर दूर कहीं भी जा सकते हैं, किधर कुधर भी, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। तो ये क्या है, रेगुलर पैटर्न नहीं होता है और फ्रीली मूव करते हैं, हाई स्पीड में एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव होते रहते हैं बहुत तेज स्पीड में। और गैस कंज्यूम द शेप्स ऑफ देयर कंटेनर्स। गैस भी क्या करती है, जो कंटेनर की शेप होती है, जैसे आप गैस स्टोव चलाते हो घरों में, तो जिस हिसाब का बर्तन आप गैस पे रखते हो खाना बनाने के लिए, उसी में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है उसी के हिसाब से। तो ये एक तरीके से कंटेनर का शेप हल्का सा ले लेती है गैस आपके। देखो,
जो आपकी हाइड्रोजन होती है, आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, सीएनजी होती है, ये सारी क्या है आपके बबल्स वगैरह हैं, बन रहे हैं, ये गैस होती है। तो जो आपके कुकर में से आप खाना बनाते होंगे, कुकर में से जो सीटी निकलती है वो क्या है, गैस की फॉर्म में निकलती है। चलिए आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम देख लेते हैं, अब हमने देखा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ये जो आपकी फोर्थ स्टेज होती है, इसकी फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा, इसका कहीं रेगुलर आपको मतलब ये हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये छोटी क्लासेस में बच्चों को एट्थ तक बताई नहीं जाती है कि प्लाज्मा भी इसकी एक स्टेट होती है। तो जो आपकी मेन स्टेट्स होती हैं मैटर की, वो तीन ही मानी गई हैं, कौन कौन सी, आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। यहाँ पे आपको क्लियर अच्छे से दिख रहा होगा कि ये वाला सॉलिड है आपका, इसमें क्या होता है, सॉलिड में बहुत टाइट पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। तो देखो रेगुलर पैटर्न होता है, यहां तक क्लियर है। और ये आपका लिक्विड है, लिक्विड में आपके जो इरेगुलर पैटर्न होगा, पैटर्न सेम नहीं होगा। इसमें देखो रेगुलर आपको दिख रहा है, एक क्रम में है, सीरीज में है, इसमें कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, लेकिन शेप में है। और ये आपकी गैस है, इसमें तो कोई कहां जा रहा है, कोई फ्रीली मूव करते हैं, इनकी तो मर्जी होती है। और प्लाज्मा में बेसिकली क्या होता है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की बात की जाती है, एनायन की और कैटायंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड। अब मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड चीज है, उसको अगर आप मेल्ट करना चाहो, उसको आप लिक्विड बनाना चाहो, तो क्या प्रोसेस होती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करनी है आपको कोई चीज, वो होती है आपकी मेल्ट करना। मान लो आपका, आपके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास, आप घी ले लो, घरों में जो घी होता है आपका, सर्दियों में क्या होता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, वो जम जाता है एक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जम जाता है। फिर अगर हम उसको लिक्विड में बनाना है, उस सॉलिड घी को आपको लिक्विड में चेंज करना, तो आप उसको मेल्ट करना पड़ेगा, यानी पिघलाना पड़ेगा। और उसके लिए किसके जरूरत है, तो आप उसको बाहर धूप में रखोगे तो वो पिघल जाएगा सन की हीट से, या फिर आप उसको गैस पे रखोगे जिससे कि वो पिघल के बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको मेल्ट करना पड़ेगा, और लिक्विड से आपको सॉलिड में चेंज करना है तो आपको फ्रीजिंग करनी पड़ेगी। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आपको फ्रिज में लोएस्ट टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे कोई भी चीज रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आइसक्रीम खाते हो आप, तो लिक्विड क्या होता है आपका, हम दूध को रख देते हैं फ्रीजर में जमाने के लिए कि आज इसकी आइसक्रीम बना के खाएंगे, उसमें कुछ और भी डाल देते हो फ्लेवर्स वगैरह की, मैंगो की खानी है, किसकी खानी है, तो क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर में रात भर रखे रहने देते हो, आप सुबह देखते हो तो वो सॉलिड की शेप में आ जाती है, देखते हो ना एकदम जम जाती है वो, जबकि आइसक्रीम है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये दोनों प्रोसेस देखो, आपसे प्रोसेस बिल्कुल पूछी जा सकती है कि लिक्विड से अगर गैस में चेंज करना है तो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी, तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड, देखो एस से एल जाओगे तो मेल्ट करोगे, एल से एस आओगे तो फ्रीजिंग करोगे, ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आपकी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने की। लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करोगे किसी भी चीज को, मान लो आपका लिक्विड क्या है, लिक्विड है आपका पानी है, पानी को आपको गैस की फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करोगे उसको, वेपराइजेशन की प्रोसेस से, किससे करोगे, वेपर्स बनेंगे जिससे आप इसको क्या कर दोगे, इवेपोरेट हो जाएगा, गैस पे रख दोगे, जो आपकी हीट होती है, गैस स्टोव आपके घरों में होता है, जो किचन में गैस यूज की जाती है, उसके ऊपर उसको रख दोगे और उसको तेज चला दोगे गैस को, वो क्या हो जाएगा, वेपर्स बन बन के सारी उसकी उड़ जाएगी। तो वो जो आपकी वेपर्स बनती हैं, भाप बनती है जो, वही क्या होती है आपकी, गैस होती है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, वेपराइजेशन की प्रोसेस अपनाओगे। वही आपको गैस से अगर लिक्विड में करना है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस अपनानी होती है, किसकी, कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन की प्रोसेस आपकी वही होती है कि कोई गैसियस फॉर्म में आपके पास चीज है, उसको आप कंडेंस करके रखोगे, दबा के रखोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर करोगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने एक बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, आप अपने घरों में कुछ गर्म करते हो, मान लो दूध को गर्म करते हो, अब दूध को आपने ढकनी रखा है, दूध को ऐसे ही गर्म कर रहे हो, उसमें से भाप उठती जा रही है, लेकिन आप उस दूध को अगर ढक दोगे
तो प्लेट पे देखोगे कि जो जिस प्लेट से आप ढकोगे, जिस भी ढक्कन से ढकोगे, उस ढक्कन पे देखोगे आपकी जो वो लिक्विड की फॉर्म में आपको पानी दिखाई देगा। तो वो क्या है, उसको हमने प्रेशर दे दिया, कंडेंस कर दिया, जिससे कि वो लिक्विड बन गया। हाई प्रेशर दिया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। ये बात आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे गैस से प्लाज्मा में आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो आयन्स होते हैं आपके, और प्लाज्मा से अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो डी आयनाइजेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सच, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट करना है, लिक्विड से सॉलिड फ्रीज करना होता है। लिक्विड से गैस आपका वेपर वेपराइजेशन होता है, और गैस से लिक्विड आपका कंडेंसेशन होता है। तो ये थी आपकी कुछ इसकी प्रोसेसेस, जो आपको इंपॉर्टेंट थी काफी जानने के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपका कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, पैटर्न चाहे कितना भी चेंज हो जाए, आपको ईवीएस के लिए, पेपर वन के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईवीएस की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे बाहर नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की बुक, सेवन्थ की और एट्थ की, इनमें से बहुत हद तक दे सकता है। और पेपर टू की साइंस के लिए आपको टेंथ तक का करना पड़ेगा। टेंथ तक की जो आपकी साइंस होती है एनसीईआरटी की, बिल्कुल वही से सेम एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और पार्ट्स होते हैं आपके, जैसे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका एलिमेंट यानी कि जो आपका तत्व होता है, बोलते नहीं है हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे तत्वों से मिलके बना है, या फिर आपने मेटाफिजिक्स में पढ़ा होगा जो तत्व मीमांसा होती है। तत्व एक तरीके से क्या है, जो सेम टाइप के एटम से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट, यानी जिसमें सेम ही टाइप के एटम्स का इस्तेमाल हो रहा है। बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड होता है आपका, उसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो दो दो एलिमेंट होंगे, दो से ज्यादा होंगे। जैसे कि आपका वाटर हो गया, देखो वाटर क्या है आपका, हाइड्रोजन, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का, उससे मिलके बना हुआ होता है वाटर आपका। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में आपका दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने वाटर ले लिया, वाटर में आपने सॉल्ट डाल दी और आपने शुगर डाल दी, तो ये क्या हो गया आपका, मिक्सचर बन गया। हिंदी में आप देख सकते हो एलिमेंट को बोलते हैं तत्व, कंपाउंड वही आपका यौगिक, और मिक्सचर आपका यानी कि कोई भी मिश्रण। तो चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं। ये हैं आपके एलिमेंट, देखो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट क्या होता है आपका, एक हाइड्रोजन, जिसके आपके कितने सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में आपके मेटल्स आ जाएंगी, नॉन मेटल्स आ जाएंगी, आपकी हाइड्रोजन, कॉपर, ये सारी चीजें, गैसेस जो होती हैं आपकी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आपकी जो एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, एलिमेंट में। तो ये एक एलिमेंट है, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, मान लिया हमने ये हाइड्रोजन है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आपका दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। तो एक एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन जिसका फॉर्मूला होता है आपका H, और दूसरा है आपका वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों H2O, यानी कि H2O। तो H2O किससे मिलकर बना है आपका, एक तो एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट है इसमें ऑक्सीजन। दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, और एक है आपका हाइड्रोजन। तो जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हो वो बन जाता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड का नाम भी है यौगिक, यानी दो चीजों से जुड़ के बना हो जो। एलिमेंट हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों आपके एलिमेंट्स हो गए। वाटर क्या बना, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके कि दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ले लिए, एक ऑक्सीजन का ले लिया, तो क्या बन गया, H2O यानी वाटर बन गया। बात करते हैं आपके मिक्सचर की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका, जिसमें आपने दो चीजें मिक्स कर दी हो। जैसे मैंने अभी बताया, आप इसमें वाटर में, वाटर ले लिया आपने, वाटर में आपने हाइड्रोजन में मिक्स कर दी, ऑक्सीजन में मिक्स कर दी, या फिर वाटर में आपने क्या कर दिया, शुगर, चीनी मिला दी और नमक मिला दिया, वो सब क्या बन गया आपका, एक मिक्सचर बन गया। तो यहां तक क्लियर है सभी को, चले अब आगे। आई होप ये सारी चीज के लिए, मिक्सचर ही यही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये सेम सेम दे रखा है।
चलिए नेक्स्ट है आपका, इनकी आपसे पूछी जा सकती है ना तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पूछी जा सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी मेटल्स की, ये है एलिमेंट्स के ही कुछ पार्ट। आपके टोटल कितने एलिमेंट्स हैं पूरी उस पर पाए गए हैं आपके 118 आपके पाए गए हैं। तो उनमें से आपके कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं, आपने आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं मेटल्स की, मेटल्स क्या होती है आपकी जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी, जिनमें चमक होती है, जिनको आप मेलेबल कर सकते हो, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है उसमें। मेटल हो गए जैसे आपकी गोल्ड, गोल्ड क्या है आपकी मेटल है। आपको जो ब्रॉन्ज होता है कांसा, ब्रॉन्ज ब्रास होता है कांसा, तांबा स्टील, ये सारी क्या होती है आपकी मेटल्स होती है। और कॉपर एल्यूमिनियम कास्ट आयरन, इन सबको क्या बोलोगे मेटल्स। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कुछ स्टील की चीजें रखी हैं, कोई आपकी ब्रॉन्ज की रखी है, कोई ब्रास की रखी है, कुछ एल्यूमिनियम है, कोई आयरन है, कोई यहाँ पे आपका कॉपर है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं मेटल्स। अब इनकी देख लेते हैं कुछ, या फिर पहले नॉन मेटल्स भी देख लो क्या होती हैं। नॉन मेटल्स वो होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से मैच नहीं खाती हैं, यानी मेटल्स में तो चमकने का गुण होता है और उनका उनको पतली तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई बाय बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, उनमें एक तरीके से चमक होती है, लश्चर होता है। लेकिन नॉन मेटल्स आपके क्या होती हैं, जो आपकी जैसे कि आपका कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन फॉस्फोरस आपका सल्फर और आपकी ब्रॉन्ज सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, ये सारी क्या होती है नॉन मेटल्स जिनमें ये वाले गुण कम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी दो मेटल्स हैं विच कैन बी कट विद ए नाइफ, दो ऐसी मेटल्स जितनी सॉफ्ट होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो वो होती हैं आपकी सोडियम एंड पोटेशियम। क्या होती है वे तो मेटल्स होती हैं, सॉरी इसमें नहीं बताना, वो नेक्स्ट में बताएंगे वो मेटल्स में। चलिए यहां तक क्लियर है कि कार्बन क्या होता है, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें आपने देखी हुई होगी। अच्छा कार्बन तो आपने अगर किसी के घर में आपने चूल्हे पे खाना बनता होगा तो अपने घर में कभी देखना, जो लकड़ी जलाते हो, लकड़ी में से जो जब लास्ट में लकड़ी रह जाती है ना, पीछे से एक वैसे कलर का थोड़े से रेड कलर का सा कुछ निकलता है आपका लिक्विड सा, वो होता है आपका कार्बन। कभी देखना घर में जब लकड़ी वगैरह जलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, यानी मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी होती है। इसमें आएगा वो वाला क्वेश्चन जो सोडियम और पोटेशियम का मैं बता रही थी। मेटल्स का देखो आपको पता है, आप अपने हाथों में कुछ भी पहनते हो वो स्टील का होता है, चूड़िया पहनते हो कांच का, वो सब क्या है आपकी मेटल्स हैं। आपके घरों में खिड़की दरवाजे होते हैं, दरवाजे जो खिड़कियां होती हैं उनमें जो आयरन की ग्रिल्स लगी रहती हैं वो क्या होती हैं, वो भी आपकी एक मेटल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख पा रहे हो कितने सारे आयरन है आपका, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये सारे आपके मेटल्स होते हैं। हार्ड सॉलिड्स यानी कि ये बहुत ही हार्ड होते हैं, एक तरीके से आप देख लो आयरन, आयरन कितना ज्यादा मजबूत होता है, आयरन हो गया आपका, सो स्टील हो गया, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी किस पे फॉलो होगी आपकी, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है आपकी मेलेबल, मेलेबिलिटी होती है कि आप इनको पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सको, पतली शीट्स में, यहां पे लिख देती हूं मैं थिन शीट्स, थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो आप घरों में रोज इस्तेमाल करते हो, अपना खाना लेके आते हो, वो जो फॉइल्स आपकी बनी हुई होती है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है जो कि एक मेटल है, और जो आपकी वो बनी हुई होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैलिएबल, यानी मैलेबिलिटी, इनमें मैलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पीट कर कूट कर पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सको, छोटी छोटी उसकी पतली शीट्स बना दी एल्यूमिनियम फॉइल की। नेक्स्ट है आपका डक्टाइल, डक्टिलिटी होती है कि आप इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सको, यानी पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सको, वो होता है आपका डक्टिलिटी। जैसे कि आपका कॉपर होता है, आप आपने देखा होगा आपके फैंस होते हैं, कोई मोटर होती है, उनमें कॉपर के पतले पतले तार लगे हुए होते हैं, तो वो क्या होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी डक्टिलिटी, यानी आप मेटल को
कूट पीट कर पतले तारों में कन्वर्ट कर सको। नेक्स्ट है आपकी ओपेक, ये आपकी पारदर्शी होती है, ठीक है, इनमें से आप आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, वो होती है आपकी ओपेक। नेक्स्ट है आपकी ओपेक, एक सेकेंड, चलिए डक्टाइल तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ओपेक की, ओपेक होती है जिसमें से आप आर पार नहीं देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, तो इनमें से आप आर पार देख ही नहीं सकते हो। आप क्या गोल्ड में से आर पार देख सकते हो? आप क्या एल्यूमिनियम की जो चीजें होती हैं, आप आयरन होता है उसमें से क्या आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। नेक्स्ट आपका लस्टरस, यानी कि बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है इनमें, चमक होती है, आपको पता है गोल्ड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, गोल्ड में कितनी ज्यादा चमक होती है, इसीलिए तो सब गोल्ड की चीजें बनवाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरीज बनवाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सोनोरस, इनकी एक साउंड प्रोड्यूस करती है ये, जैसे कि आप आयरन को, लोहे को फूटते हो जब उसको पतला करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, तो बहुत जोर से टन 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 की आवाज आती है। अपने अपने स्कूल्स में आपकी जो बैल होती है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कि बैल को आप बजाते हो तो आपको क्या आवाज आती है, तो वो वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, सोनोरस, यानी कि साउंड की जो इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये सारे इनके हाई डेंसिटी होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, अपने आप में से बहुत जल्दी से पास होने देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसका एक एक्सेप्शन है कि और सारी मेटल्स जो होती है मोस्टली सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, यानी ये पिघलती नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जो आपका मरकरी होता है, क्या होता है आपका मरकरी, यानी कि पारा जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, यानी आप इसको कहीं रूम टेम्परेचर पे रूम में रख के देखोगे तो ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही आपको मिलेगा, सॉलिड ये जमेगा नहीं, लिक्विड ही रहेगा। और ये आपने देखा होगा जो आपके ज्यादातर मोस्टली थर्मामीटर्स वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होते थे तब एक मरकरी का एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें भी मे बी आपने देखा हो। चलिए ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब अगर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन सब की उल्टी होती है, ना तो वो हार्ड होती है ज्यादा, बहुत ही सॉफ्ट होती है। अच्छा, इसके एक्सेप्शन आपके सॉफ्ट में भी मिल जाएंगे, कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल्स हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन सी है भाई? सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ। ये क्या है? ऐसी दो मेटल है कि जिनको आप चाकू से काट सकते हो, तो ध्यान रखनी है, कुछ एक्सेप्शंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अलॉय, यानी कि एक तरीके से मिश्र धातु क्या होती है। देखो नाम से भी पता चल रहा है कि अलॉय क्या होते हैं, जिसमें आपके मिक्सचर यूज होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल या फिर नॉन मेटल, या फिर एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ मिक्सचर, यानी कि आपने स्टील और कॉपर को मिला दिया तो कोई अलग से अलॉय बना दिया, या फिर आपने सल्फर को ले लिया और कॉपर को ले लिया तो कोई अलॉय बना दिया, तो वो होते हैं जो आप मेटल के साथ एक दूसरी मेटल मिला सकते हो, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल मिलाओगे, नॉन मेटल के साथ दूसरी नॉन मेटल मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका अलॉय। ध्यान रखनी है मिश्र धातु, जैसे कि आपका ब्रॉन्ज, पीतल, स्टील, स्टील क्या होता है आपका, स्टील को स्टील ही बोलते हैं, ब्रास, यानी कि जो आपका पीतल होता है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये मोस्टली पीतल ही होते हैं, कांसा, तांबा, ये सारी चीजें। अब देख लेते हैं कौन कौन से अलॉय आपके होते हैं। सबसे पहले अलॉय, ये डेफिनेशन एंड एग्जांपल का मतलब है कि ये मिक्सचर होता है आपका, कि जिसमें मेनली प्राइमरी कंपोनेंट मेटल होता है, यानी एक मेटल का पार्ट उसमें जरूर होता है। ये है आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कॉपर होगा और टीन होगा, उसको मिलाएंगे अगर तो नाम दे दिया है ब्रॉन्ज, यानी कि इसमें 78 से 95% तक क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपर, और उसके बाद 5 से 22% तक क्या इस्तेमाल करेंगे, टिन, तो क्या बन जाएंगे दोनों आपके, ब्रॉन्ज। अब क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉन्ज के, ब्रॉन्ज एक अलॉय है
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी कौन कौन सी मेटल नॉन मेटल से मिलकर वो बना हुआ है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, तो ध्यान रखना है ब्रॉन्ज के हैं सीटी, कॉपर और टिन। नेक्स्ट बात करते हैं 80 कैरेट गोल्ड, जो आपका 18 कैरेट का गोल्ड होता है, सोना होता है, जो उसमें आपका गोल्ड होता है, एक मेटल हो गई गोल्ड, ये 75% होगा। कॉपर भी मेटल है, ये 12.5% होगा, और आपका सिल्वर वो भी आपका 12.5% होगा। और जो आपका 22 कैरेट, देखो 18 कैरेट के में तो तीन चीजें होती हैं, लेकिन जो आपका 22 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें आपका गोल्ड प्लस में कॉपर ये दोनों होते हैं। और जो बोलते हैं ना 24 कैरेट का सोना, बोलते हैं कि 24 कैरेट का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गोल्ड ही होता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, 18 कैरेट के में तीन चीजें होती हैं, गोल्ड कॉपर और सिल्वर, 22 कैरेट के में गोल्ड और कॉपर होता है, और 24 के में आई थिंक मेनली ओनली गोल्ड होता है, ये वाला आप एक बार चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं ब्रास की। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, गोल्ड के तो आपको पता है बहुत सारे ज्वेलरीज बनती हैं, कड़े बनते हैं, गले में पहनने के हार बनते हैं। अब ब्रास से क्या बनती है, वे जो बजाते हैं ना शादियों में, पौ पौ सी बजाते हैं, वो जो साउंड की होती है वो आपकी ब्रास की बनी होती है। अब कौन कौन से होते हैं उसमें, दो चीजें ब्रास में, कॉपर और जिंक, तो ध्यान रखनी है दोनों चीजें, पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन ये जो आप घरों में देख लेते हो ना, घरों में फ्राई पैन्स होते हैं आपके, या फिर कोई आपकी कढ़ाई होती है टेफ्लॉन की सी लगती है जो आपको, वो बना होता है आपका, उसमें 96 से 98% तो आयरन ही होता है, यानी लोहा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर कार्बन की एक वो होती है, कुछ कार्बन मिक्स होता है इसमें, और कुछ टेफ्लॉन जो आपका एक पॉलीमर होता है उसकी एक परत से चढ़ाई जाती है, जिससे कि चीजें नॉन स्टिकी रहे, इसको बोला जाता है नॉन स्टिकी। चलिए अब बात करते हैं स्टर्लिंग सिल्वर, ये इसमें सिल्वर होता है और कॉपर होता है, सिल्वर ज्यादा मात्रा में होता है और कॉपर। अब ये कुछ आपको, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना है कि किसमें कौन सी चीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछेगा कि कौन से कास्ट आयरन में क्या क्या मिक्स है, स्टर्लिंग सिल्वर में क्या क्या मिक्स है, और ब्रास में क्या क्या मिक्स है, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आप एक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक मतलब फेमस, एक तरीके से बोल सकते हो अलॉय है। इट इज द फर्स्ट अलॉय टू बी यूज, ये पहला अलॉय था जिसको बनाया गया था कि हाँ ये एक पहला अलॉय बन गया। अच्छा बताओ जल्दी से, ब्रॉन्ज किस किस से बना होता है, अभी देखा था किससे बना हुआ होता है, भूलिए तो जल्दी, सारी चीजें याद रखा करो, कॉपर और टिन। तो ऐसे ही पूछ लेगा ब्रास, सीटी ध्यान रखो, ब्रॉन्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये कॉपर और टिन को मिला के बनाया गया था कि ब्रॉन्ज बन गया, ये पहली बार बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत बनता है, और इसके आपको पता है क्या क्या बनती है, तोपे जो होती हैं, जो आर्मी मिलिट्री वाले लोग यूज करते हैं दुश्मनों को मारने के लिए, तोपे होती हैं आपकी, बंदूकें होती हैं, मूर्तियां होती हैं, और जो आपके मोस्टली जहाज वगैरह बनते हैं, और बर्तन भी बनते हैं कुछ भारी वाले, ये सब किससे बनते हैं आपके, बोलते नहीं कांसे का बर्तन है, बहुत हैवी होता है, कभी देखा हो तो कांसे का है, कोई गिलास देखा हो तो ये होते बहुत स्ट्रांग होते हैं और हैवी बहुत ज्यादा होते हैं। ये आप देख पा रहे हो एक एलिफेंट, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ पे आपके कुछ अलॉयज हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आपको जानना जरूरी है कि कौन सी चीज किससे बनी हुई है। ये तो आपको डेफिनेशन पता है कि एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, या तो मेटल मेटल का होगा या मेटल और नॉन मेटल का होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आप स्टील के बारे में, स्टील कितनी फेमस है, आप घरों में अपनी बाल्टियां इस्तेमाल करते हो, आपके जो बर्तन होते हैं वो सब किसके होते हैं, स्टील के ही होते हैं। तो स्टील किस किस से बना होता है आपका, आयरन और कार्बन। स्टील भी एक फॉर्म किसकी है आपकी, लोहे और कार्बन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, जो आपके टूल्स उपकरण बनते हैं, मशीनरी बनती है आपकी, टैंक बनते हैं बड़े बड़े, और व्हीकल्स बनते हैं, व्हीकल्स में जो आपने देखा होगा बाइक के जो साइलेंसर्स होते हैं, आपकी बाइक होते हैं उनके जो साइलेंसर्स होते हैं मोस्टली स्टील के बने हुए होते हैं। शिप, बड़े बड़े जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है, रेल्स में किया जाता है। बिल्डिंग्स बनती हैं आपकी, ब्रिजेस बनती हैं, और डैम्स बनते हैं, तो ये सब किसके होते हैं आपके, स्टील के बनते हैं।
चलिए अब स्टील की एक फॉर्म होती है स्टेनलेस स्टील, इसी की फॉर्म है ये स्टील की। जो आपके घरों में बर्तन होते हैं वो इसके होते हैं स्टेनलेस स्टील के, जो आप डेली इस्तेमाल करते हो खाना बनाने में, खाना खाने में। तो वो किस किस का बना होता है आपका? आयरन और क्रोमियम, इन दो चीजों से मिलके बना है, ध्यान रखना है। यूटेंसिल्स आपका कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके होते हैं सर्जरी में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वो सब क्या करते हैं आपके स्टेनलेस स्टील के चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रास, यानी कि जो आपकी ब्रास अलॉय है वो किस किस से बना है? कॉपर और जिंक। इसका क्या, इसके भी बर्तन बनते हैं भाई। और आपके हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स जो आपकी कलाकारी वगैरह होती हैं हाथों से करने वाले काम, ये सब आपके इसी से बनते हैं, जैसे पियानो हो गया, वायलिन हो गई, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज एनलिको, ये इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये ध्यान रखनी है। कॉपर, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इससे क्या बनता है? जो आपके बड़े बड़े स्टैच्यू बने हुए होते हैं म्यूजियम्स में देखोगे, स्टैच्यू बने हैं, मेडल, तमगे दो जो होते हैं आपके, पदक होते हैं जो, बेल्स होती हैं, बेल्स ऑर्नामेंट्स, और मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, जो आपकी मैग्नेट्स होती हैं वो भी इसी की बनी हुई होती है। ये ब्रॉन्ज अलग है कॉपर और टिन का, और यहाँ पे ये एल्निको अलग है, ये दोनों अलग अलग है, देखना। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है जिससे स्टैचू, मेडल, बेल ऑर्नामेंट्स बने होते हैं, और एल्निको एक अलॉय है जो कि आपका आयरन, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, इन चारों से बना हुआ होता है, जिससे कि आप मैग्नेट्स बनाते हो जो आपकी चुंबक होती है। अब नेक्स्ट है आपका ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन चार चीजों से बना हुआ होता है, इनसे क्या क्या बनता है आपका? बर्तन बनते हैं। प्रेशर कुकर जो होते हैं वो ड्यूरेलियम के होते हैं, ध्यान रखना है। और आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हवाई जहाजों के पार्ट्स बनते हैं, ये भी ड्यूरेलियम के बनते हैं, बहुत ही मजबूत धातु होती है ये। और जो व्हीकल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी आपके ड्यूरेलियम से बनाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है अच्छे से, क्यों, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं आपकी सेपरेशन टेक्निक्स। अब देखो, हमने देख लिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं आपके, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं। तो अब हमें किसी चीज को किसी चीज से दूसरी चीज से अलग करना है, तो उनको कैसे अलग करेंगे? तो वही बात है, यहाँ पे सबसे पहले आपका सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स, यानी कि जो सॉलिड चीजें होती हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनको अलग कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपकी टेक्निक है वो है मैनुअल सेपरेशन, यानी कि हाथ से अलग करना, ध्यान रखना है। सेपरेशन डन बाई हैंड्स, ये किससे होती है? आपकी हाथों से अलग की जाती है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, चावल होते हैं आपके घरों में, दाल होती है, उनमें से क्या कंकड़ निकालते हो, कंकड़ पत्थर जो निकालते हो, वो क्या है आपकी मैनुअल सेपरेशन की प्रोसेस है। ये आप देख भी पा रहे हो, एक मम्मी है घर में, वो क्या कर रही है, आंटी है, चावल है, चावलों में से काले काले चीजों को, काले जो पत्थर होते हैं, काले कुछ दाने से होते हैं छोटे छोटे, उनको निकाल के अलग कर रही है, तो इसको बोलते हैं मैनुअल सेपरेशन। और इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी, कोई भी चीज हो खाने की, आपकी दालें हो गई, दालों में से कुछ निकाल रहे हो, हर प्रकार की दाल में से, चावल में से कुछ निकाल के अलग कर रहे हो, तो ऐसे घरों में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक आपकी। नेक्स्ट है आपकी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? आपकी जो गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद, गेहूं की कटाई के बाद जो आपकी इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे आप एक फार्मर देख रहे हो, उस वो फार्मर क्या कर रहा है आपका, जो किसान है, जैसे उसने गेहूं के बड़े बड़े या फिर धान के बड़े बड़े गट्ठे से ले रखे हैं, उनको जोर जोर से मार रहा है ताकि वो थ्रेशर का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके। इसमें क्या होता है, जो आपका खाने लायक पार्ट होता है, जो गेहूं के दाने होंगे वो अलग चले जाते हैं, और जो इसका भूसा वगैरह होता है वो सब अलग चला जाता है। ये कटाई के बाद किया जाता है, जब काट काट के ऐसे रख देते हैं आपकी, जैसे हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, तो क्या, अगर आजकल तो सारे काम मोस्टली मशीन से होते हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों में ये वाले काम किसान भी करते हैं खुद ही। तो वो क्या करते हैं, गेहूं को या फिर धानों को सबको काट काट के एक गट्ठा सा बना के रख देते हैं, फिर उसके बाद थ्रेशिंग करते हैं, गट्ठों को उठा उठा के ऊपर से जोर जोर से दे के मारते हैं, कुछ बिछा लेते हैं नीचे, कि जिससे कि जो आपका खाने वाला पार्ट होगा ना
वो हैवी होगा, थोड़ा सा गेहूं होगा वो अलग चला जाएगा, और जो आपके उसमें गेहूं के जो आसपास में रहते हैं आपका स्टॉक भूसा टाइप, वो उसका हल्का पार्ट होता है, लाइट वेट होता है, तो वो दूसरी साइड उड़ के चला जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कटाई के बाद की जाती है, और थ्रेशिंग के लिए थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल भी आजकल किया जा रहा है। आजकल तो अलग से थ्रेशिंग मशीन है जो क्या करती है, गेहूं को अलग अलग रख देती है, मतलब उनमें इस पूरे गेहूं को काट काट के डाल दिया जाता है और गेहूं को अलग से निकाल के रख देती है, और जो उनका अलग से बचा हुआ पार्ट बचता है भूसा वगैरह उसको एक अलग जगह पे रख देती है। तो थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये प्रोसेस भी आपको मतलब पूछी जा सकती है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका विनोइंग। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विनोइंग, यानी कि जो आपकी विनोइंग का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इसमें ये लेडी क्या कर रही है आपकी, इन्होंने इसके ऊपर ये जो इनके हाथ में है इसमें इन्होंने अनाज भर रखा है और उसको हवा के रुख के साथ ऐसे नीचे गिरा रही है, ताकि हवा के साथ जो हल्का पार्ट होगा इसके साथ जो वैसी चीजें होंगी जो भूस टाइप थोड़ा सा और है, होता है भूस, उसको अलग वो अलग उड़ जाता है, और जो आपका हैवी पार्ट होता है जो आपका गेहूं का दाना होता है वो एक साइड में जाके गिरता है। तो इस वाली प्रोसेस को आप क्या करते हो कि अनाज को भूसे अलग करने की प्रोसेस है ये, कि थ्रेसिंग के बाद ही किया जाता है। आपने जरूर अपने घरों में अपनी मम्मियों को देखा होगा करते हुए ये वाला, कि जो आपका छाछ होता है, ये छाछ ही है जो इनके हाथ में, इसको छाछ बोला जाता है, इनके एक तरीके से छजना की छानना चीजों को, ठीक है, छानना थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इसको फटकाने के लिए, फटकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यही है जहाँ पे बहुत पहले ये हवा का रुख देख लेते हैं कि किस साइड की हवा है, यानी कि इस साइड की हवा है तो इस साइड अगर गेहूं को करेंगे तो जो हल्का पार्ट है वो उड़ के अलग चला जाएगा और जो आपका हैवी पार्ट होगा वो उड़ के एक साथ आ जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस काफी बेहतर होती है, ये मशीन से नहीं, ये हाथ से ही की जाती है आपकी, आपके घरों में ही की जाती है। चलिए थ्रेसिंग के बाद होती है ये। नेक्स्ट है आपकी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी क्या करती है कि और कुछ भी जो कुछ भी बचा होगा आपका, जैसे उड़ाने के बाद भी कोई कुछ चीजें नहीं जा पाती हैं, गेहूं के दाने से अलग नहीं हो पाती हैं, तो आप क्या करते हो फिल्ट्रेशन, या जो आपकी छाननी होती है छानने वाली, उससे क्या करते हो गेहूं को छानते हो, उसमें से जो वैसे पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, छान छान के वो हल्का पार्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर आप उसको निकाल के बाहर डाल देते हो और जो आपका असली पार्ट होता है यानी जो गेहूं होते हैं उनको अलग से रख देते हो। ये आप अपने घर में डेली इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप आटा छानते हो, रोटियां बनाने के लिए आटा छानते हो, तो आटे को छलनी में से छानते हो तो आटा जो होता है वो आपका नीचे चला जाता है, छन जाता है, और जो आपका वैसा पार्ट होता है उसका वो आप अलग से कहीं और डाल देते हो। तो ये प्रोसेस आपकी, जैसे आपने कभी अपना कोई कहीं कंस्ट्रक्शन साइट देखी हो, उस कंस्ट्रक्शन साइट में एक बड़ी सी जाली होती है आपकी फिल्ट्रेशन की, उसमें कंक्रीट को सारे को डाला जाता है और फिर कंक्रीट को छान लिया जाता है, ताकि जब घर बने तो उसमें ऐसी कंक्रीट टाइप जो बिल्कुल पिस मतलब बिल्कुल महीन नहीं हो जाती है उनका इस्तेमाल ना हो। तो ये सारी चीजें आपको पता भी है, ये इसका इस्तेमाल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये, जिसका इस्तेमाल आपका विनोइंग के बाद किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, आपका मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनका इस्तेमाल मेनली आपको देखेगा बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं, इंडस्ट्री होती है, जैसे स्टील के कुछ पार्ट्स बनते हैं, जहाँ पे लोहे के कुछ पार्ट्स बनते हैं, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन वाले का, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इन सबको अलग करने के लिए, उनके साथ जो दूसरी मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं उनसे अलग करने के लिए। ये देखो आप जैसे क्या करते हैं इस वाली प्रोसेस में, आपका यहाँ पे क्या है, जैसे ये स्पीसीज ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि आपको ये कोई आयरन है इसको अलग से करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दी और इस साइड एक मैग्नेट लगा दी, तो ये क्या है, मैग्नेटिक स्पीसीज हैं, ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है और ये वाला, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो आपका ये है सारा वो,
आपका जो आयरन है, चलो एग्जांपल लेते हैं आयरन का, ये बड़ा सा लोहे का पार्ट है, इसमें कुछ आपकी इम्प्योरिटीज भी हैं, तो आपको क्या करना है, एक प्योर लोहे का पार्ट निकालना है। तो क्या करोगे, इसको इनके अंदर डाला जाएगा, कोई मशीन टाइप होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर डाला जा सकता है, दोनों साइड आपकी मैग्नेट लगा दी जाती है, तो एक साइड क्या होगा, आपका जो असली वाला पार्ट होगा वो आ जाएगा, और दूसरी साइड आपका जो असली वाला पार्ट होगा वो आ जाएगा। प्रोडक्ट जो वेस्ट होगा वो ये एक साइड में निकाल के रख देंगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक साइड में कर दिया जाता है, अलग से मशीन से निकाल के रख देती हैं, और जो आपका असली वाला पार्ट होता है उसको एक साइड में रख दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलग अलग टाइप से होता है ये, अलग अलग मशीन्स होती हैं मैग्नेटिक सेपरेशंस की, जिनमें अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। चलिए, ये आप मैकेनिकल इंजीनियर करते हो जब बीटेक में, तब बहुत अच्छे से इन मशीन्स के बारे में आपको समझाया जाता है। अब वो था आपका सेपरेशन ऑफ सॉलिड टू सॉलिड, यानी कि किसी भी सॉलिड को सॉलिड से कैसे कैसे अलग करना है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम कि किसी सॉलिड और लिक्विड को कैसे अलग अलग किया जाता है, यानी कोई पार्ट सॉलिड है और कोई पार्ट आपका लिक्विड है। तो सबसे पहली प्रोसेस है आपकी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। इस वाली प्रोसेस में आपका क्या होता है कि मान लो आपने एक ग्लास पानी भर रखा है। हाँ चलो एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ये एक गिलास है आपका, इसमें क्या है, यहाँ पे पानी फिल्ड है, इसके अंदर पानी क्या है आपका, लिक्विड है, वाटर जो है आपका लिक्विड है, और आपने क्या किया इसके अंदर मिट्टी डाल दी और उसको ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया, मिट्टी को डाल के इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है कि मिट्टी अलग से आ जाए, सॉलिड पार्ट, और जो वाटर है वो अलग से आ जाए। तो क्या करोगे आप, जो मिट्टी होगी, जैसे आपने मिलाया तो मिट्टी थोड़ी सी हैवी है, ग्रेविटी के कारण जो हैवी पार्ट होगा, सॉलिड पार्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे तल में जम जाएगा, और जो आपका लाइट वाला पार्ट होगा यानी वाटर, वो क्या होगा आपका, ऊपर आ जाएगा। तो आप सिंपल सिंपल आपको दिख भी जाएगा, आप मान लो मिक्सचर है, कोई मिट्टी भी है उसमें पानी भी है, तो पानी तो ऊपर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आपके मिट्टी आ जाएगी, सॉइल के छोटे छोटे पार्ट जो है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये हैवी पार्ट होते हैं, ग्रेविटी के कारण जो भारी वस्तु होती है वो नीचे की तरफ जाएंगी और जो लाइट होगी वो आपकी ऊपर की तरफ उसके ऊपर फ्लोट करेगी। तो इसी वजह से होता है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ध्यान रखना है, ये प्रोसेस आपकी सेडिमेंटेशन कहलाती है, जिसमें से कि आपका लाइट वाला पार्ट, हल्का वाला पार्ट अलग हो जाता है, भारी वाला जो सॉलिड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें देख ले, यहाँ पे देख लेते हैं सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है आपकी। बात करते हैं, ये सेडिमेंटेशन की वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इसमें क्या है, यहाँ पे पानी बहुत सारा भरा हुआ हुआ है, पूरा पानी से फिल्ड है वाला टैंक, लेकिन इसमें बहुत सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो इसमें घुल नहीं सकती, यानी कि मिट्टी हो गया, रेत हो गया, छोटी छोटी कंकड़ पत्थर होते हैं वो हो गए छोटे छोटे, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें घुल नहीं सकते। अब सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कुछ देर बाद, अब कुछ देर बाद इसको देखोगे, ज्यादा ज्यादा 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप इसको देखोगे, तो जो आपकी इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, ये इतनी सारी इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज आपको दिख रही है, ये सारी क्या होंगी, यहाँ पे जमा हो जाएंगी नीचे तल में, क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे सारी जो मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है सारे, और जो आपका वाटर है, साफ पानी एकदम से ऊपर चला जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है आपका, ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ये थी आपकी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस, बिल्कुल ध्यान रखनी है अच्छे से कि इसमें क्या होता है। चलिए, बट इससे आप किसी भी चीज को कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज आपको क्लियर बनानी हो तो आप इस वाली प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी डिसेंटेशन। डिसेंटेशन यानी कि विसंक्रमण। इसमें क्या होता है आपका, लिक्विड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर विदाउट मूविंग और डिस्टर्बिंग द लिक्विड और मिक्सचर। यानी कि आपका ऐसे ही कोई लिक्विड मिक्सचर होता है, एक वाटर हो गया, वाटर में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो गई, मिट्टी पड़ी है उसमें वाटर में, तो वो क्या है, आपको उसको हिलाए बिना, मतलब उसको मूवमेंट नहीं करवाना है बिल्कुल, उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पार्स वो किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, देखो
आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड और हैवियर लिक्विड सरफेस लिक्विड मटेरियल इज फ्लोटिंग ऑन द अपर सरफेस इज ट्रांसफर्ड. देखो सेम चीज है ये भी, सेडिमेंटेशन की तरह है, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग रख दिया है. यहाँ पे क्या है, एक बर्तन ये है और दूसरा बर्तन ये है, ये दोनों ये भरा हुआ है, इसमें वाटर है आपका, पानी है, और इसमें आपकी मिट्टी भी है, सॉइल भी है. सॉइल और वाटर दोनों चीजें इसी में है आपकी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया है, ये इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा रहने देंगे, बिल्कुल इसको हिलाएंगे नहीं कहीं भी, ऐसे ही शांति से रखे रहने देंगे. वही प्रोसेस है, कुछ देर बाद जो आपका पानी है उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से पानी इसमें ट्रांसफर आ जाएगा क्लियर वाला, और जो नीचे का सॉलिड पार्ट है, नीचे की जो मिट्टी है सॉलिड पार्ट, वो इसी में रह जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपका लिक्विड पार्ट. तो सॉलिड और लिक्विड वो सेडिमेंटेशन की सेम प्रोसेस है, ऐसे ही सॉलिड लिक्विड को अलग किया जाता है, ये भी एक तरीके से, बस इसका नाम अलग है. क्यों होता है ये ग्रेविटी के कारण ही है. जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो तो नीचे आ जाएगा, और जो आपका लाइट ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा, फ्लोट करेगा वो. तो यही प्रोसेस है इसकी भी. चलिए इसका देख लेते हैं आगे एक कि क्या है डिसेंटेशन, क्या होती है आपकी. ये है आपके लिक्विड भरे हैं, आपके कुछ वेसल्स हैं, इनमें आपके लिक्विड्स भरे हुए हैं, ये अनडिजॉल्व सॉलिड है. ये देखो यहाँ पे क्या है, ये खाली बर्तन है, ये खाली वेसल है, इसमें क्या था, इसमें पानी भरा था, और नीचे क्या था आपका मिट्टी वगैरह, वो जमा हो गई थी थोड़ी देर तक, ये रखा रखा ऐसे, इसको मूव नहीं किया बिल्कुल भी, एक जगह पे ऐसे रख दिया इसको. फिर जो पानी था वो तो ऊपर आ गया, क्योंकि वो पतला लाइट ऑब्जेक्ट है, एकदम से फ्लोट करेगा. और जो आपकी हैवी मेटल्स हैवी इम्प्योरिटीज है, मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सारे क्या नीचे जमा हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, इससे पानी को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, लिक्विड को बिल्कुल अलग कर देंगे, और जो आपका सॉलिड रह जाएगा वो यहाँ पे रह जाएगा. तो ये जो सेपरेशन होता है वो डेंसिटी के ऊपर है. डेंसिटी यही है कि कोई चीज कितनी भारी है, कोई चीज कितनी हल्की है. तो यही है आपकी प्रोसेस डिसेंटेशन की. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन. अब देखो फिल्ट्रेशन आपका सॉलिड टू सॉलिड में भी हुआ था, सॉलिड टू सॉलिड में हुआ था ना, कि जब हवा के वेग से एक लेडी थी, वो क्या कर रही थी, गेहूं को ऐसे अलग अलग कर रही थी, तो वो क्या थी आपकी, नहीं नहीं फिल्ट्रेशन था आपका कि जैसे छालनी में से आटे को अलग कर दिया जाता है, और जो अलग पार्ट होता है वो कर दिया जाता है अलग, वो थी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस. कंकर जैसे सीमेंट वगैरह होती है, कंक्रीट होती है, उसको छाना जाता है बड़ी बड़ी छलनियों में. तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, जैसे आप घर में अपनी चाय बनाते हो, चाय में सारी चीजें डालते हो, अदरक चाय पत्ती चीनी, चीनी तो डिजोल्व हो जाती है उसमें तो मीठा आ जाता है, लेकिन जो आपकी चाय की पत्ती होती है वो क्या होती है आपकी अनडिजॉल्व होती है, वो डिजॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ अपना कलर छोड़ती है. और जो अदरक होती है वो भी पूरी तरह उसमें डिजॉल्व नहीं होती. तो आप क्या करते हो, चाय को ऐसे छानते हो, तो वही प्रोसेस है ये कि चाय को छान के आपने लिक्विड को अलग कर दिया, और जो उसमें सॉलिड बचा था उसको बिल्कुल से अलग कर दिया. सेम वही प्रोसेस है, इसमें नेट या फिल्टर या पेपर झिल्ली का उपयोग किया जाता है. वही आपकी जो छालनी होती है वो एक तरीके से नेट का या फिर पेपर झिल्ली होती है जो आपकी, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है. मेम्ब्रेन जो होती है सेम वही है, इसमें अलग कर दिया जाता है, तरल आसानी से गुजरता है. क्यों, वो जो झिल्ली बनी हुई होती है आपकी, जो आपकी चाय छानने वाली छन्नी होती है, वो इसी टाइप से बनाई जाती है कि उसमें से जो लिक्विड है वो तो इजिली निकल जाए, लेकिन जो उसके साथ की वैसी इम्प्योरिटीज हैं आपकी, चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गई, वो सब उसमें ही रह जाए स्टोर. तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे, ये है आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस. ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे मान लो ये बर्तन है जिसमें आपने इसमें चाय बनाई है, मान लो ठीक है, पूरी टोटल चाय इसी में है, चाय की पत्ती भी इसी में, अदरक भी इसी में है. तो यहाँ पे क्या है, जो चाय छाननी होती है उसको आप रख रहे हो किसी ग्लास में, किसी में डाल रहे हो, वही प्रोसेस है. और एक प्रोसेस आपकी ये पहले इस्तेमाल की जाती थी, जो आपकी तेल लेने जाते थे आप कभी, बहुत टाइम पहले ही इस्तेमाल की जाती थी. आप किसी शॉप से तेल लेने जा रहे हो, सरसों का तेल या फिर कोई और तेल, तो क्या करते थे, तो वो इसी का इस्तेमाल करते थे, फिल्टर पेपर का, एक बड़ी सी जिसको कुप्पी बोलते थे वो लगा देते थे, नीचे ये ऐसी फनल सी होती थी, उसमें एक जाल सा होता था, यहाँ पे डालते थे, उस जाल में इम्प्योरिटीज आ जाती थी, और नीचे जो है कॉनिकल फ्लास्क में आपकी फिल्ट्रेट जो भी तेल होता था वो आ जाता था. आज के टाइम में भी आप किसी शॉप पे जाओगे
तो तेल वगैरह के लिए ये वाली चीजें आपकी इस्तेमाल होती है कि तेल डालना है। तो चलिए, ये थी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो लिक्विड को लिक्विड से अलग करेगी। अब बात करते हैं इवेपोरेशन, यानी कि जो आपकी वाष्पीकरण की प्रोसेस है। इवेपोरेट का मतलब क्या होता है आपका, कि चीजें क्या, जब हीट करते हो तो वो भाप बन के उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। जैसे कि आप देख लो कितनी बारिश होती है, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़क पर पानी भर जाता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पानी भर गया, लेकिन एक दो दिन बाद आप देखोगे पानी एकदम से गायब। कहाँ गया वो पानी, उसका कहीं निकास भी नहीं था। वो पानी क्या हुआ, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट हो गया, उड़ गया सारा भाप की फॉर्म में। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस आपकी यही होती है कि इसमें क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड हीट किए जाते हैं। यानी कि आपके जैसे कि मान लो कोई वो है आपका, एक एक आपने पानी ले लिया एक बर्तन में, और उसमें कोई ऐसा सॉलिड डाल दिया आपने जो कि उसमें घुलता ना हो, कुछ भी हो सकता है वो। आपने चाय पत्ती लगा लो, ठीक है, चाय पत्ती लगा लो पानी में, सिर्फ पानी में आपने चाय की पत्ती डाल दी, चाय की पत्ती सॉलिड है और पानी जो है वो आपका लिक्विड है, तो क्या करेगा, आप उसको हीट कर रहे हो, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हो, तो उसको बहुत ज्यादा हीट करते रहोगे, नॉर्मल हीट करोगे तो उसमें कलर छोड़ेगा, वो पानी में बच जाएगा। लेकिन आप देखोगे उसको ज्यादा हीट कर रहे हो, ज्यादा टाइम तक गैस पर रखे रखोगे तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नीचे नीचे बच जाएगी आपकी चाय की पत्ती। तो यही है आपकी सॉलिड और लिक्विड की प्रोसेस। जैसे कि शुगर और सॉल्ट को अलग करना है आपको, तो अभी आप इस वाले मेथड को अपना सकते हो, उनको हीट करके शुगर और सॉल्ट होता है जो वो नीचे रह जाएगा, मीठे पानी को, जिसमें ऐसा पानी लेना है आपको जिसमें शुगर भी हो और सॉल्ट भी हो, तो ऐसे पानी को आप हीट करोगे तो थोड़ा सा शुगर बच जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा आपका। अब देख लेते हैं इसको, इवेपोरेशन की प्रोसेस को क्या होती है, कैसे होती है। ये मिक्सचर है, ये सॉल्ट भी है, इसमें वाटर भी है। आप क्या कर रहे हो, इसको इवेपोरेट कर रहे हो, ऐसे भाप निकल रही है बहुत जोर से, ये बर्नर है गैस पे रख रखा है आपने, तो क्या हो रहा है, ये मिक्सचर यहाँ पे अलग रह जाएगा सॉलिड वाला, और लिक्विड वाला वाटर के फॉर्म में इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है वो आप डेली अपने घरों में इस्तेमाल करते हो। कैसे इस्तेमाल करते हो, इस टेक्निक में क्या होता है आपका, जैसे आप घी निकालते हो दूध में से, ये वाली प्रोसेस बिल्कुल वही है जो सेंट्रीफ्यूगेशन की है। कि आप क्या कर रहे हो, मक्खन निकाल रहे हो दूध में से, आप दही को चलाते हो अपने घरों में, तो दही को जिससे भी चलाते हो आप, जो आपकी ज्यादातर वो होती हैं आपकी ब्लेंडर्स होते हैं या फिर ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, तो छोटे छोटे ब्लेंडर्स होते हैं उसको से दूध को चलाते हो, या फिर पहले टाइम में रई बोलते थे उनको, रई इस्तेमाल की जाती थी, गोल 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 ऐसे वो घूमती रहती थी, घूम घूम के मिक्सचर को, वो जो प्रोसेस होती है आपकी उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जो वो सर्कल में ऐसे घूमती रहती थी और घी आपका मक्खन ऊपर आ जाता था और जो आपकी लस्सी रहती थी वो नीचे आ जाती है। तो यही प्रोसेस है ये, इसमें क्या होता है, मिक्सचर को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है किसी मिक्सचर को, दही को घुमाओगे घुमाओगे उसमें पानी डाल के, तो रोटेशन की फोर्स से और ग्रेविटी की फोर्स से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके, यानी जो मक्खन होगा वो उसमें ऊपर आ जाएगा, और जो आपकी बॉटम में क्या लिक्विड पार्ट होगा, एंड इन दिस वे लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी सेपरेटेड। क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या करते हो, क्रीम को निकाल लेते हो, ऊपर ऊपर आ जाती है वो। बटर फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही से जो लस्सी बनाते हैं आपकी, मक्खन निकालते हैं, वो सारी प्रोसेस इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो आई थिंक ये वाली क्लियर होगी आपको। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट ये वाली है आपकी, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है वो दूध दही वाला तो नहीं मिला, लेकिन ये जैसे आपका ब्लड है, विड्रॉ ब्लड एंड प्लेस इन ट्यूब, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस यहाँ भी इस्तेमाल की जाती है। आपके क्या है, यहाँ से ब्लड लिया एक ट्यूब में डाला, अब इसको एक कुछ मशीन्स होती हैं उनमें इस ब्लड को घुमाओगे, घुमाते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लड का सारा पार्ट पता चल जाएगा कि ये तो है अलग पार्ट है आपका ब्लड है, और इसमें प्लाज्मा कितना है, 55% ऑफ ऑल ब्लड बफी कॉट क्या है, और एरिथ्रोसाइट्स कितनी है, ये सारी चीजें आपके पता चल जाए, यानी सॉलिड पार्ट अलग आ जाता है जो आपका प्लाज्मा होता है, और ये आपका एरिथ्रोसाइट से लिक्विड पार्ट से ब्लड की फॉर्म में अलग रह जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, इससे ना आप भी समझ में आए तो टेंशन नहीं है, तो आप जो दूध वाला है, दूध से मक्खन निकालने की प्रोसेस है, वही सेंट्रीफ्यूगेशन है, बस ये बात ध्यान में रखना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन विधि।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने पढ़ी होगी जरूर, 7th 8th में आई थिंक ये आती है आपकी एनसीईआरटी में, 8th की साइंस में, उसमें पढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर, जो लिक्विड और सॉलिड का कोई भी मिक्सचर ले लेते हैं, उसको हीट किया जाता है और फिर जो वेपर फॉर्मड होती है उनको कलेक्ट किया जाता है। जो वेपर्स होंगी ना उनको ऊपर कुछ लगा देंगे कि जिससे ऊपर ऐसे ऐसे वेपर उड़ रही हैं, और वहां पर ऊपर कुछ लगा दिया, जो वेपर्स को कलेक्ट कर लिया और उनको कंडेंसेशन करके, जैसे वेपराइजेशन से आपको सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, कंडेंसेशन करना है, गैस से लिक्विड की फॉर्म में करना होता है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस करनी होती है। तो वही प्रोसेस इसमें अपनाते हैं और अलग अलग जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। चलिए ये है आपके डिस्टिलेशन की प्रोसेस। जैसे कि क्या है, ये थर्मोमीटर है, वेपर्स होती हैं इसमें, ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको हीट किया गया, यहाँ पे वेपर्स हैं वो निकल के आई, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है आपकी। इसकी प्रोसेस से क्या करेंगे, जो कोल्ड वाटर है, जैसे वेपर्स जब बनती है, भाप बनती रहती है, तो उसको कंडेंस कर लिया जाता है प्रेशर देके, तो वो क्या बन जाता है, एक तरीके से पानी की फॉर्म में बन जाता है, उसको फिर डिस्टिलेट अलग से कर दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपकी सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। अब एक लिक्विड को ही आप लिक्विड से कैसे अलग करोगे, तो सबसे पहली है आपकी सेपरेशन कॉर्न। एक सेपरेशन कॉर्न टाइप में बनी हुई होती है आपकी, वो क्या करती है, दो लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग करने में इस्तेमाल होती है। कैसे, उसमें दो लेयर्स बनी होती हैं। ऐसे मिक्सचर्स आपको लेने हैं जो एक दूसरे में मिक्स ना हो, जैसे कि तेल और वाटर, सॉरी ऑयल और वाटर, जो पानी और वाटर होता है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते, देखते हो ना अलग अलग तैरते रहते हैं। तो आपको ऐसे दो लिक्विड्स लेने हैं, यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड्स का इस्तेमाल किया गया है। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। तो एक लिक्विड तो क्या होगा, आपकी ऊपरी परत पे आ जाएगा और एक लेयर आपकी नीचे वाली परत पे आ जाएगा। जब इस कौन से आप क्या करोगे, इजीली ड्रेन करोगे, तो अपर लेयर होगी वो एक कॉन में आ जाएगी और जो लिक्विड होगा वो अलग से सेपरेट हो जाएगा। इसका फिगर कहीं मिला नहीं भी सेपरेशन कॉन का, इसलिए इसको सिंपल ऐसे समझ लो। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक लिक्विड को ही दूसरे लिक्विड से कैसे अलग कर सकते हैं। यह मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस किसमें बताई थी, पेट्रोलियम की जो प्रोसेस होती है, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग रिफाइनरीज में जो होती है, वो होती है आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपका एक लिक्विड को ही अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट किया जाता है, यानी जो क्रूड ऑयल होता है आपका, कच्चा तेल होता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट किया जाएगा और वेपर्स की फॉर्म में टेम्परेचर कलेक्ट की जाती है, कंडेंसेशन किया जाता है और अलग अलग जो से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं वो अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको हीट किया जाता है, देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। लास्ट है वाला पॉइंट आपका, देखो ये है आपका, ये जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है ना आपके, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं और ऑयल्स रिफाइनरीज होती हैं, उनमें यही वाली प्रोसेस होती है। ये है यहाँ पे आपका बड़ा सा कच्चा तेल होता है, यहाँ पे इसमें कच्चा तेल है, ये ऐसे डालते हैं, ये एक बड़ा सा आपका फ्रैक्शनेटिंग टावर है, एक बहुत बड़ा सा ऐसा टावर सा बना के रखते हैं। उसमें इसको क्या करते हैं, देखो सबसे पहले सब रिफाइंड गैस 20 डिग्री टेम्परेचर पे, इस क्रूड ऑयल को ये 20 डिग्री सेल्सियस है उस पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, एक क्या बनती है, गैस बनती है रिफाइनरी गैस, जिसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा आपसे ये वाला क्वेश्चन आपके पेट्रोल के पार्ट में भी बहुत वाली हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, कि डीजल की पेट्रोल को कितने टेम्परेचर पे हीट करके डीजल बनता है, तो वो 260 डिग्री पे। केरोसिन कितने टेम्परेचर पे हीट करके बनता है, वो है 180 डिग्री पे। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ से वो वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो। ये हीटर है, यहाँ से पेट्रोल डालते हैं, इसमें हीट किया जाता है, हीटर है, अब अलग अलग टेम्परेचर सेट कर देते हैं, इनके जो अलग अलग ये पाइप्स निकल रहे हैं इनके अलग अलग टेम्परेचर सेट कर देते हैं, कि पहला वाला 20 डिग्री पे करेंगे तो एक गैस निकलेगी, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है आपका, फिर आपका पेट्रोल निकलता है जो वो 70 डिग्री पे, इसको क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को हीट करते हैं, जो आपका कार्स में, आपकी बसेस हो गई, इन सब में इस्तेमाल होता है। नेपथ आपका 120 डिग्री, उसमें केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये 120 डिग्री पे। फिर होता है आपका केरोसिन,
केरोसिन 180 डिग्री पे हीट करके बनता है, जो कि आपका जेट फ्यूल है, जो आपका एरोप्लेन में फ्यूल इस्तेमाल होता है वो। पैराफिन यानी वैक्स वगैरह हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए। फिर आपका डीजल 260 डिग्री के लिए, फिर डीजल इंजन जो हैवी मोटर्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जिसको ग्रीस भी आप बोल सकते हैं, जिसको 300 डिग्री पर हीट करते हैं तो आपका बनता है ल्यूब्रिकेटिंग या ग्रीसिंग ऑयल। उससे क्या करते हैं, ऑयल फॉर कार्स एंड अदर मशीन्स। और नेक्स्ट है आपका फ्यूल ऑयल, वो क्या आपका शिप्स और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका 350 डिग्री पर, जो आपका रेजिड्यू बन जाता है, जो बचा कुचा बहुत काला सा पार्ट होता है, वो आपका बिट्यूमेन। यूज टू मेक बिट्यूमिनस बनाते हैं इससे एक पार्ट, और सड़कों पे जिसको बिछाते हैं, रोड की सरफेसिंग के काम आता है। तो ये थी आपकी पेट्रोल की प्रोसेसिंग, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे आप किसी भी लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका एक थिंग्स वी नो वाला पॉइंट, एक तरीके से कि जो जो चीजें हमें जाननी चाहिए और जो जो चीजें हमें आनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वाला जो भी टॉपिक था, सारी प्रोसेसेस सारा कुछ क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में हम करेंगे थिंग्स वी नो कर लिया हमने, थिंग्स वी मेक कि क्या क्या चीजें हम बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस की चीजें फेमस है। आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट कंटेंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।